यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। गंगा प्राइम की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां कार में भीषण आग लग गई, शीशा तोड़कर कार सवार ने अपनी जान बचाई। दनकौर इलाके के अजनारा गोल चक्कर की ये घटना है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये कार है जिसमें अचानक आग लगी। हालांकि जो कार सवार था उसने बड़ी मुश्किलों से अपनी जान तो बचा ली, शीशा तोड़कर कार सवार कार से नीचे आ गया, कार से कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। दनकौर इलाके के अजनारा गोल चक्कर की ये पूरी घटना है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, आग बुरी तरीके से लगी हुई है इस गाड़ी में और ये गाड़ी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। कड़ी मशक्कत के बाद ही सही, लेकिन कार सवार ने अपनी जान जो है वो जरूर बचा ली। और अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत के आखिरी गांव माना पहुंचे। माना में बर्फ से ढकी वादियों के बीच योगी आदित्यनाथ ने आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की। खबर के मुताबिक योगी चीन सीमा क्षेत्र घस्तोली में भी जाना चाहते थे, लेकिन मार्ग पर बर्फ होने के कारण वो घस्तोली नहीं जा पाए। बता दें कि सीएम योगी 3 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर थे, जिसके बाद वो लखनऊ पहुंच चुके हैं। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भारत के आखिरी गांव माना में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहां पर आईटीबीपी के जवानों से उन्होंने मुलाकात की, उनके साथ खुशियां बांटी, उन्हें मिठाई दी और फिर यहां से रवाना हो गए। आपको बता दें कि 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले वो केदारनाथ पहुंचे, फिर बद्री विशाल में उन्होंने पूजा अर्चना की और माना गांव पहुंचे। देखिए ये दोनों काम एक साथ हमारे यहां पर संपन्न हो रहे हैं। बद्रीनाथ धाम सनातन हिंदू धर्म का आस्था का केंद्र बिंदु है। एक तरफ आस्था का केंद्र बिंदु, सनातन धर्म का एक प्रमुख धाम बद्रीनाथ धाम, और दूसरी तरफ राष्ट्र धर्म का एक प्रमुख धाम है हमारा। इससे पहले लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ बद्रीनाथ के दरबार में पहुंचे। रात में चमोली में विश्राम करने के बाद सुबह सीएम हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ पहुंचने पर सीएम योगी को गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। इसके बाद सीएम ने भगवान बद्री विशाल से आशीर्वाद लिया। इसके बाद सीएम योगी ने मंदिर परिसर में लगी संतों की प्रतिमा को भी नमन किया। इस मौके पर मंदिर परिसर उत्तराखंड सरकार की तरफ से सीएम योगी का सम्मान भी किया गया। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं आज के कार्यक्रम की। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एटीएस ने गिरफ्तार किए 2 संदिग्ध बांग्लादेश के इकबाल और फारूक। गिरफ्तार किए गए हैं सहारनपुर में। पासपोर्ट और आधार कार्ड इन्होंने बनवाया था। मोबाइल फोन में विदेशी संदिग्धों के नंबर भी मिले हैं। कॉल रिकॉर्ड का ब्योरा खंगालने में जुटी हुई है एटीएस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। संदिग्धों को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। और देखेंगे ये जो खबर है इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि आज ही दिल्ली से 2 आतंकी दिल्ली स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किए हैं और उनका भी सहारनपुर देवबंद कनेक्शन सामने आया था और अब सहारनपुर से ही 2 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। और इनके जो कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए उसमें विदेशी नंबर भी सामने आए। तो राजधानी दिल्ली से गिरफ्तार हुए 2 आतंकियों को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। दोनों गिरफ्तार आतंकी कश्मीर के बारामूला और कुपवाड़ा के रहने वाले हैं, जिनसे पूछताछ में पता चला है कि दोनों आतंकी दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर हमले की साजिश रच रहे थे और इनके निशाने पर कई वीवीआईपी भी थे। दोनों आतंकियों के पास से 2 पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पूछताछ में दोनों ने आतंकियों
आतंकियों ने खुलासा किया है कि वो सहारनपुर के देवबंद भी गए थे, जिसके बाद अब पुलिस ये जानने की कोशिश में लग गई है कि दोनों आतंकियों का देवबंद से क्या कनेक्शन है। वहीं इस मामले में यूपीएसटीएफ भी दोनों आतंकियों से पूछताछ कर सकती है। तो देखिए, जैश के आतंकियों की तस्वीर आप देख लीजिए, ये वो दो आतंकी हैं जो कि दिल्ली एनसीआर में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे और वीवीआईपी इनके निशाने पर थे। हालांकि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इनके तमाम नापाक इरादों को नेस्ता नाबूद कर दिया और इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन अब इन आतंकियों का यूपी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। पूछताछ जब इन आतंकियों से की गई है तो इन दोनों ने ही खुलासा किया है कि यूपी के सहारनपुर भी गए थे। अब ये खबर मिल रही है कि यूपीएस एटीएसपी इनसे पूछताछ कर सकती है। और बुलंदशहर में छात्रा के सुसाइड केस में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। एबीपी गंगा की खबर दिखाए जाने के बाद एसएसपी ने थाना अनूपशहर सीओ अतुल चौबे और थाना प्रभारी को भी हटा दिया है। गैंगरेप के मामले में त्वरित कार्रवाई न करने पर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने अनूपशहर के सीओ अतुल चौबे को लाइन हाजिर किया और सीओ वंदना शर्मा को अतिरिक्त चार्ज दे दिया। वहीं थाना प्रभारी सुभाष सिंह पर भी गाज गिरी है। दूसरी ओर थाना जहांगीराबाद में रेप पीड़िता के आरोपियों के परिजनों के दबाव बनाए जाने पर हटाए गए थाना प्रभारी विवेक शर्मा। तो बुलंदशहर में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि छात्रा ने सुसाइड कर लिया था और अब इस खबर को एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाया। लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर सवाल खड़े किए और अब बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया है, इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। बुलंदशहर से खबर जहां रेप पीड़िता को जलाने के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। रेप पीड़िता को जिंदा जलाने के मामले में 7 पर एफआईआर दर्ज हुई है। संजय काजल, बनवारी, बदन सिंह, वीर सिंह, जसवंत सिंह और गौतम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जहांगीराबाद कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई है। तो देखिए, एक तरफ जहां पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है तो वहीं दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। रेप पीड़िता को जलाने के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 7 एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज हुई है। और बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अनुभव शर्मा जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, और क्या ताजा अपडेट इस पूरे मामले में? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि बुलंदशहर में जिस तरह से रेप पीड़िता का जो आत्मदाह का मामला सामने आया था, उसमें 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। और साथ ही आपको बता दूं कि जो रेप पीड़िता है, अब उसकी जो एक वीडियो आई है उसमें वो बयान दे रही है कि जिस तरीके से उसने परेशान होकर अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाला और अचानक से आग लग गई, तो ये भी एक कहीं ना कहीं वीडियो आई है। लेकिन जो उसके परिजन है उसकी तहरीर पर आपको बता दूं कि 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस खबर को एबीपी गंगा ने भी प्रमुखता से दिखाया। यही वजह है कि पुलिस भी अब कार्रवाई कर रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, पुलिस कमिश्नर समेत 7 अफसरों से रिपोर्ट तलब की गई है। राज्य महिला आयोग ने रिपोर्ट तलब की है। 7 जिलों के एसएसपी और एसपी से जवाब मांगा गया है। महिला अपराध से जुड़ी खबरों पर रिपोर्ट मांगी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें राजधानी लखनऊ से मिल रही है, जहां पुलिस कमिश्नर समेत 7 अफसरों से रिपोर्ट तलब की है। 7 ऐसे जिले जहां पर महिला अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, उस मामले में अधिकारियों से अब रिपोर्ट तलब की गई है। 7 जिलों के एसएसपी और एसपी से जवाब मांगा गया है। महिला अपराध से जुड़ी खबरों पर रिपोर्ट मांगी गई है। राज्य महिला आयोग ने रिपोर्ट तलब की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस कमिश्नर समेत 7 अफसरों से रिपोर्ट तलब की गई है। राज्य महिला आयोग ने रिपोर्ट तलब की है। 7 जिलों के एसएसपी और एसपी से जवाब मांगा है। और त्योहारों की भारी भीड़ और सर्दी बढ़ने के साथ ही एक बार फिर यूपी के कई जिलों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। लखनऊ, आगरा समेत कई जिलों में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ गई है, जिसे देखते हुए लखनऊ में डीएम अभिषेक प्रकाश ने एक हाई लेवल बैठक की, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अलावा पीजीआई, केजीएमयू समेत कई अस्पतालों के अफसर शामिल हुए। बैठक में कोरोना इलाज में लापरवाही बरतने वाले अस्पतालों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने वाले अस्पतालों के खिलाफ
खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब तक पूरे यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 1455 नए मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 1838 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। लखनऊ में 24 घंटे में 202 नए मरीज सामने आए, जबकि 219 मरीज स्वस्थ हो गए और 24 घंटों में 20 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना से अब तक कुल 5,14,270 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1,338 है। अब तक कुल मिलाकर के जो लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या बढ़कर के 4,84,692 हो चुकी है और इस प्रकार प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत अब 94.24% है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन का प्रस्ताव भेजा है। दिल्ली सरकार ने शादियों में 50 की बजाय 200 लोगों को शादियों में शामिल होने का अपना फैसला भी वापस ले लिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के दिशा निर्देशों का उल्लंघन होने की वजह से दिल्ली में एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है। तो देखिए, दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके बाद अब दिल्ली सरकार एक बार फिर से दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रही है और ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। त्योहार पर जिस तरीके से बाजारों में भीड़ बढ़ी और लोगों ने कोविड-19 की गाइडलाइंस को ताक पर रख दिया, उनकी धज्जियां उड़ा दी, उसी का नतीजा है कि दिल्ली में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि कोरोना की सेकेंड वेव जो है वो भारत में दस्तक दे चुकी है, जो ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ऐसे में एबीपी गंगा आप सभी से अपील करता है कि कोरोना अभी हमारे बीच में है, आप उसे ध्यान में रखते हुए घर से बाहर निकलें, तमाम सुरक्षा मानकों का उपयोग करें, हाथ सैनिटाइज करें, हैंड वॉश करें, मास्क पहनना अनिवार्य है अगर आप किसी सार्वजनिक जगह पर जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप जरूर करें। नियमों का पालन करेंगे तभी आप अपने घर को, अपनी फैमिली को बचा सकते हैं इस घातक बीमारी से। और मथुरा में बुधवार को जिला कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई होने जा रही है। जिला जज साधना रानी ठाकुर 18 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करेंगी। वकील रंजना अग्निहोत्री समेत कई लोगों ने जिला जज की अदालत में अपील की थी, जिसमें 13.37 एकड़ जमीन को श्री कृष्ण जन्म स्थान बताते हुए वहां बनी ईदगाह मस्जिद को हटाने की अपील की थी, जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी। तो आपको बता दें कि जमीन से मस्जिद हटाने की मांग की गई थी, हाई कोर्ट में इसकी याचिका लगाई गई है। 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक की यह पूरा मामला है। उधर प्रयागराज में माफिया घोषित किए गए पूर्व सांसद अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों के खिलाफ एक बार फिर कार्रवाई करते हुए आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने अतीक के परिवार की एक इमारत पर बुलडोजर चला दिया। प्रयागराज के चकिया इलाके में अतीक अहमद के घर से कुछ ही दूरी पर यह 3 मंजिला इमारत 2,500 वर्ग मीटर जमीन पर बनवाई गई थी, जो अतीक के रिश्तेदार इमरान अहमद के नाम पर थी, लेकिन निर्माण के लिए ना तो विकास प्राधिकरण की मंजूरी ली गई और ना ही नक्शा पास कराया गया। इमरान अहमद अतीक गैंग का सक्रिय सदस्य है और हिस्ट्री शीटर भी, जिसके खिलाफ 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन है एंटायर यूपी के लिए, जितने भी क्रिमिनल्स, हिस्ट्री शीटर्स, माफियाज हैं, उनके विरुद्ध सारी एजेंसीज कार्रवाई कर रही हैं अपने विभिन्न अधिनियमों में। उसी क्रम में कार्रवाई आज की जा रही है। आज प्रयागराज में ये कुख्यात अपराधी हिस्ट्री शीटर वर्तमान एस्कॉन्डिंग इमरान जई का अवैध निर्माण है। ये अतीक गैंग के सक्रिय सदस्य हैं और इनके द्वारा प्लॉट एरिया लगभग 2,500 वर्ग गज में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण कराए गए थे, जिसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पारित किया था। इसके क्रम में इसको एंटायरली डिमोलिश करा रहे हैं, पूरा ध्वस्त करा रहे हैं। मैनपुरी में फायरिंग की खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहां पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने फायरिंग की। इस दौरान लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग करता हुआ युवक कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में साफ तौर से हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से एक युवक बंदूक से लगातार फायरिंग कर रहा है।
ये फायरिंग जमीनी विवाद को लेकर हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मामला दन्नाहार थाना क्षेत्र के बखत गांव का है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। देखिए अब तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये वो वीडियो है जो खौफ पैदा करता है, क्योंकि इसमें खुलेआम फायरिंग की गई है। और ये जो पूरा विवाद है वो जमीनी रंजिश का बताया जा रहा है, पुरानी रंजिश है दो पक्षों के बीच में, और इसी के चलते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। ना सिर्फ लाठी डंडे उठा लिए बल्कि खुलेआम फायरिंग भी की गई है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरी वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कह रही है। और अब खबर सिद्धार्थनगर से है। यहां मनरेगा के नाम पर बड़ा घोटाला किया गया है। मामला इटावा तहसील के खड़सरी गांव का है, जहां इजहार नाम के शख्स का आरोप है कि इन्होंने अपने खर्चे से तालाब का निर्माण कराया, लेकिन ग्राम प्रधान, सचिव और तकनीकी सहायक ने मिलीभगत कर उसे मनरेगा के तहत किया गया काम दिखा दिया और 1,50,000 रुपए भुगतान करवा लिए, जिसकी शिकायत बहुत पहले ही की गई थी। अब 2 साल बीत जाने के बाद उनकी शिकायत सही पाई गई और इन तीनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने इन तीनों पर कार्रवाई और रिकवरी के आदेश दे दिए। और अगली अहम खबर फिरोजाबाद से है। जहरीली शराब से एक और मौत हो गई है। शेखपुरा में शराब पीने से एक और ट्रक्स की मौत हो गई है। सुबह 2 मौतों से इलाका दहल गया था। इलाज के लिए ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। बड़े पैमाने पर शराब की बिक्री हो रही है, ये ग्रामीण लगातार कह रहे हैं। तो फिरोजाबाद में ये तीसरी मौत है। सुबह 2 मौतों से पूरा इलाका दहल गया था। सुबह 2 मौतों की खबर सामने आई थी और अब एक और शख्स की मौत हो गई है। ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे हैं कि उनके इलाके में अवैध शराब बेची जा रही है, जिसकी वजह से तमाम जिंदगियां खराब हो रही हैं। तो इससे पहले आपको बता दें कि फिरोजाबाद के एक गांव में शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। गांव वालों का आरोप है कि यहां खुलेआम अवैध शराब बिकती है। फिलहाल पुलिस जांच की बात कह रही है। रिपोर्ट देखिए। यहां मौत का मातम पसरा है। जिनका परिवार उजड़ा है उनका रो रो कर बुरा हाल है। ये फिरोजाबाद के थाना खैरगढ़ क्षेत्र का गाँव शेखुपुरा है। यहाँ शराब, शायद अवैध शराब ने 2 लोगों की जान ले ली। चंद रुपए कमाने की खातिर शराब तस्कर किस तरह लोगों की जिंदगी से खेलते हैं, उसका ये पुख्ता प्रमाण है। इन्हें क्या पता था कि ये शराब नहीं मौत खरीद कर पी रहे हैं। खबरों के मुताबिक गांव के 4 युवकों ने शराब खरीद कर पी, जिसमें 2 युवक संजय और नबी चंद्र की सुबह मौत हो गई, जबकि 2 लोग सरकारी ट्रामा सेंटर में भर्ती है। मृतक के परिजनों का क्या कहना है, खुद उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। शराब पी थी उन्होंने। कब पी थी? कल शाम को। तो यहाँ शराब कैसे खुलेआम बिक रही है क्या? खुलेआम बिकती है। कोई कार्रवाई नहीं करती पुलिस? कोई नहीं करता। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती? कोई नहीं। भैया शाम को आए, दो जने बने उनके संगे दारू वारू पी बस। फिर क्या, घर पे आ गए थे? घर पे आ गए यही कमरा में। कितने लोगों की मौत हुई है? 2 लोग। वही पुलिस का कहना है कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। यहाँ 2 लोगों की रात में शराब इन्होंने पीना, गांव वाले बता रहे हैं कि इन्होंने शराब पिया था, लेकिन सुबह के टाइम पर लगभग 6 बजे से पहले इनके कुछ इनको अपनी बेचैनी महसूस हुई है और उसमें इनके सीने में दर्द हुआ है, और सीने में दर्द होने के बाद इनके घर वाले इनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। इस दौरान इसकी मौत हुई। शराब या कहें तो अवैध शराब बेचने वाले मौत बेचते हैं, लेकिन ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे इस मामले में मौत की वजह शराब है या कुछ और, इसका सच तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिरोजाबाद से कृष्ण पोरवाल की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
और वहीं बच्चों की यौन शोषण के नेटवर्क का खुलासा हुआ है। सीबीआई ने जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। ये अहम खबर आपको बता दें, सिंचाई विभाग में तैनात है राम भवन, डार्क वेब से बच्चों की तस्वीरें बेचता था। 8 लाख नगद, लैपटॉप, मोबाइल फोन भी इसके पास से बरामद किया गया है। तो बच्चों के यौन शोषण के नेटवर्क का खुलासा हुआ है, डार्क वेब से बच्चों की तस्वीरें बेचता था। कि सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने बच्चों के यौन उत्पीड़न से जुड़े अपराधों की जांच और रोकथाम के लिए पिछले दिनों एक स्पेशल सेल का गठन किया था। इस स्पेशल सेल ने गठन के बाद ही सक्रियता दिखाते हुए तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जिले के रहने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इस शख्स का नाम राम भवन है। ये सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात है। इस पर आरोप है कि ये चित्रकूट और बांदा समेत आसपास के कई बच्चों को अपने जाल में फंसाता था, उनको उत्तेजना पैदा करने वाले खिलौने देता था, चुपचाप उनकी पोर्न वीडियो बनाता था, अश्लील तस्वीरें उतारता था, कई बच्चों का यौन उत्पीड़न भी उसने किया था और इन तस्वीरों और वीडियो को वो विदेशी एजेंसियों को ऊंची कीमत पर बेच देता था। जांच एजेंसी सीबीआई को काफी दिनों से इसके बारे में जानकारी मिल रही थी। पुख्ता सबूत मिलने के बाद जांच एजेंसी सीबीआई ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से 8 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं, साथ ही साथ कई मोबाइल फोन, लैपटॉप व दूसरे सामान भी, कैमरे वगैरह भी बरामद हुए हैं। सीबीआई का मानना है कि ये एक तरीके का रैकेट बनाकर काम कर रहा था। इसके गिरोह में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। सीबीआई रिमांड पर लेकर इसे पूछताछ करेगी और उसे उम्मीद है कि इस शख्स के जरिए वो दूसरे लोगों तक पहुंच सकेगा और एक बड़े गैंग का, एक बड़े रैकेट का खुलासा किया जा सकता है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और खबर कौशाम्बी से, जहां एनजीटी और प्रदेश सरकार की सख्ती के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शाम होते ही खेतों में पराली जलते साफ दिखाई देने लगती है। यही वजह है कि अब प्रशासन ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।